काफी बार सेबी रेगुलेशन डिफर कर जाते हैं कंपनीज एक्ट के के हिसाब से तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि सर हमको सेबी रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए इस चीज में या फिर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो करना चाहिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे रेगुलेशन के बारे में जो डिफर करेंगे आपके कंपनीज एक्ट से सो हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम प्रतीक तलदार चार्ट अकाउंटेंट एंड योर फैकल्टी एट आई एग्जाम बी वीडियो चालू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप आज आई एग्जाम बी के प्लेटफॉर्म पे सारे ही कोर्सेज 50 परसेंट डिस्काउंट पे ले सकते हैं आप ये वाला कूपन कोड यूज करके ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ये ऑफर सिर्फ वैलिड रहेगा 31 मार्च तक तो अगर आप से भी जनरल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं यहाँ आपको सारे वो प्रोफेशनल्स पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद अपने अपने सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में काम किया हुआ है तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बोनस शेयर्स के अंदर जो आपका पार्ट होता है शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन का इसके अंदर दो से भी रेगुलेशन ऐसे हैं जो आपके कंपनीज डिफर करते हैं तो चालू करते हैं डिस्कशन इस रेगुलेशन समझाने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बोनस इशू आखिर होता क्या है बेसिकली बोनस इशू एक ऐसा इशू है जहां पे आप एडिशनल शेयर्स देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो अगर मैं आपकी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और अगर आपने बोनस इशू अनाउंस कर दिया है तो ऐसे केस में मुझे कुछ एडिशनल शेयर्स मिलेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अब बात यह आती है कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे शेयर्स को कैसे इशू करेगी कहां से इशू करेगी तो सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि अगर कंपनी के पास कोई फ्री रिजर्व है जैसे कि जनरल रिजर्व पी एंडल का सरप्लस या फिर कोई भी और फ्री रिजर्व तो आप वो यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप यूज कर सकते हैं अगर कंपनी के पास है तो और आप कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं तो इन तीन सोर्सेस से कंपनी आपको बोनस शेयर इशू कर सकती है अच्छा बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली तो आप फ्री रिजर्व यूज कर रहे हो तो इस फ्री रिजर्व को जो कि आप जनरल रिजर्व देख सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड का इसको आप बेसिकली कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं तो अल्टीमेटली ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स है ये आपके प्रॉफिट्स थे अब ये कैपिटलाइज हो जाएंगे आपके इक्विटी शेयर होल्डर में

मैं इसकी जगह आपको फ्यूचर में मेरे इक्विटी मतलब इस लोन को, को मैं कंपलसरलीयर्स में मेरे कन्वर्ट करूंगा तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपकी कंपनी में आउटस्टैंडिंग कंपलसरली कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है और ऐसे केस में अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए बोनस इशू ला रहे हो तो आपको इन लोगों के लिए भी आपके कंपलसरली कन्वर्टेबल डेट के लिए भी सिमिलर टाइप का रिजर्वेशन करना पड़ेगा इक्विटी शेयर का एज अ बोनस क्योंकि फ्यूचर में तो ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने ही वाले हैं क्योंकि ये कंपलसरली कन्वर्टेबल है ऐसे केस में आप इनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखोगे अलग से एक रिजर्व बना दोगे इक्विटी शेयर्स का और इनको फ्यूचर में आप वो इक्विटी शेयर्स अलॉट करेंगे अब ये प्रोविजन है सिर्फ सेबी रेगुलेशन के अंदर कंपनीज एक्ट आपका इस पे कंप्लीटली साइलेंट है नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड अब कंपनीज एक्ट कहता है कि ये तीन चीजों को आप यूज कर सकते हैं बोनस इशू देने के लिए दोनों केस में पहले समझते हैं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम आखिर होता क्या है तो एज द नेम इट ऑल सिक्योरिटी पे मिला गया प्रीमियम अब सिक्योरिटी आपकी यहां पे शेयर है अब आप अगर शेयर पे, पे प्रीमियम चार्ज करेंगे ओवर योर फेस वैल्यू फेस वैल्यू होती है आपकी नॉमिनल वैल्यू एक ऐसी रिलायंस चल रही है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट सेवन रुपीज तो आज अगर मैं शेयर को इतने रुपए पे इशू कर दू टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड समथिंग पे और इसकी फेस वैल्यू चल रही है टेन रुपी तो कहने का मतलब टू नाइन सिक्स वन पॉइंट सेवन का मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम चार्ज कर लिया है जो भी अमाउंट मैं मेरी फेस वैल्यू से ऊपर ले रहा हूं वो मैं प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं मेरी सिक्योरिटी का तो ये भी एक तरह का फ्री रिजर्व होता है इसलिए आपको कंपनीज एक्ट कहता है कि आप इसको भी एज अ रिजर्व यूज कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए पर सेबी रेगुलेशन के अंदर हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है सेबी रेगुलेशन कहते हैं कि आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये आपको कैश में रियलाइज हो चुका होना चाहिए और कंपनीज एक्ट इस बात पे साइलेंट है मतलब ऐसी वहां पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अब इसका कैश में रियलाइज होने का मतलब यह है कि एक ट्रांजेक्शन तो ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको शेयर इशू किए और आपसे पैसे ले लिए तो थ्री थाउजेंड रुपी का अगर मैंने आपको शेयर इशू किया और दस रुपए उसकी फेस वैल्यू है तो मैंने आपसे टोटल थ्री थाउजेंड रुपी ले लिए उसमें से टू नाइन नाइन जीरो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम बन जाएगा जो कि मुझे कैश में रियलाइज हो चुका है क्योंकि मैंने आपसे पूरे तीन हजार रुपए कैश में ही लिए हैं

तो ही आप इसको बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं पर कंपनीज एक्ट के केस में ये चीज आपकी साइलेंट है तो अगर बात करें एक ऐसी कंपनी की जो लिस्टेड है अब अगर लिस्टेड है तो तो उसको सेबी के के रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे तो लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर आपको हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम वो लेना है जो कैश में रियलाइज हो चुका हो और अगर कंपनी ही अनलिस्टेड है तो मतलब उसको सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने की नीड नहीं है वो कंपनीज एक्ट भी फॉलो करेगा तो भी काम चल जाएगा ऐसे केस में आप अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं भले ही कैश में रियलाइज हुआ हो या नहीं हुआ हो तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं ये थे दो ऐसे रेगुलेशन जहां पे सेबी रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट आपके डिफर करते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू अगेन रिमाइंड यू की ऑफर की आज लास्ट डेट है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं ज्वाइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर फिफ्टी फास्टर